पाठ 19 रास्ते का पत्थर। एक राजा था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। राजा दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा भ्रमण के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहां पड़ा है। देखता हूं इसे कौन यहां से हटाता है। राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक दूध वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। दूध वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। वह फिर पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहां पड़ा हुआ देख रहा हूं, पर कोई इसे हटाता नहीं। यहां के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा।
उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरे फल, बूढ़े ने कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, लड़के ने कहा। उसने फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। ये जीते रहो। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया पर पत्थर नहीं हिला। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा। अचानक पत्थर हिला। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। उस आदमी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं शंकर हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा। उसके मुख्य अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया है। कठिन शब्द न्यायप्रिय, न्यायप्रिय, भ्रमण, भ्रमण, वृद्ध, वृद्ध, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, ग्राहक, ग्राहक, मुख्य, मुख्य, आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रशंसा, प्रशंसा।